हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि रेडहैट लिनक्स 7 में लॉगिन स्क्रीन पर यूजर लिस्ट डिसेबल कैसे करते हैं। जैसे यहां पर यूजर लिस्ट अभी इनेबल है, सभी जो भी यूजर हमने क्रिएट किए हैं इस मशीन में, वो सभी यूजर यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूजर लिस्ट डिसेबल कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रूट यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। रूट यूजर से लॉगिन करने के बाद में टर्मिनल ओपन कीजिए और आपको एक डायरेक्टरी मूव करना है /etc/dconf/db/gdm.d। और इस डायरेक्टरी में आपको एक डेटाबेस फाइल बनानी है जिसका नेम आपको असाइन करना है vim /login/screen। ये नेम आपको उस फाइल को असाइन करना है 00-login-screen। और उसके बाद में आपको कंटेंट एड करना है इसमें। इंसर्ट मोड पे इंसर्ट मोड मूव कीजिए और उसके बाद में /genome/login-screen। उसके बाद में एक ऑप्शन आपको ऐड करना है यहाँ पर /disable-user-list=true। और उसके बाद में इस फाइल को सेव कर लीजिए। उसके बाद में आपको डीकॉन डेटाबेस अपडेट करना है। उसके बाद में लॉगआउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे यूजर लिस्ट डिसेबल हो चुकी है, एक भी यूजर नेम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब आपको जिस यूजर से लॉगिन करना है उसका नेम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस यूजर से लॉगिन कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप रेडहैट लिनक्स 7 में आप यूजर लिस्ट को डिसेबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।